हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सभी प्रश्न का उत्तर सही हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास हम लोग ज्योग्राफी से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो लाइव क्लास देख रहे हैं वह रूटीन वाइज देख रहे हैं। सोमवार को फिजिक्स का क्लास होती है, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार के दिन हम लोग 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है, और शुक्रवार शनिवार रविवार ये दिन हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम अर्थात आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास देखेंगे और ज्योग्राफी का पार्ट 5 है आज का क्लास, ज्योग्राफी का पार्ट 5 जिसमें हम लोग प्राथमिक क्रियाएँ चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं पिछले दिनों को क्लास देखना, सभी पार्ट को पिछले पार्ट को देखना, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी पार्ट आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने आज का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, मैदानी भूमि, कृष्ठ भूमि, प्रतिभूमि या वन। सभी लोग अपना उत्तर देंगे, आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है उसमें अपना उत्तर जरूर दें। तो बताएंगे निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। चलो तो याद रखेंगे कौन भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो मैदानी भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्न में से कौन खाद्य फसल है। गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि निम्न में से कौन खाद्य फसल है। क्या गेहूं खाद्य फसल है, गन्ना खाद्य फसल है, या कॉफी या चुकंदर। सभी लोग अपना उत्तर दें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोगों का सही हुआ। चलिए तो ध्यान देंगे कौन खाद्य फसल है, तो खाद्य फसल गेहूं है जो खाद्य फसल है। याद रखेंगे गेहूं है जो खाद्य फसल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग इसी तरह से डेली दोपहर 12 बजे लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देखते हैं, इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि या मिश्रित कृषि। सभी लोग बताएंगे कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए याद रखेंगे रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो रबर रोपण कृषि, याद रखेंगे रोपण कृषि की उपज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबर रोपण कृषि की उपज
है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। सभी लोग अपना उत्तर दें। आज लोग हम ज्योग्राफी का पार्ट 5 देख रहे हैं, तो सभी लोग बताएं कि कौन सी एकल कृषि नहीं है, कौन सी कृषि एकल कृषि नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सी कृषि एकल कृषि नहीं है, तो मिश्रित है। मिश्रित कृषि है जो एकल कृषि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा, इन कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? इन कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इन कृषि के प्रकार, जो चारों ऑप्शन है ये कृषि के प्रकार है, तो ये कृषि प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? सभी लोग उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे इन कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो आदिकालीन, याद रखेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में, रोपण कृषि में या सहकारी कृषि में? सभी लोग बताएंगे कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। हम लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और भीव्य हैं, और जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वह MK लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास की PDF डाउनलोड करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, उसमें प्रतिदिन के लाइव क्लास का PDF आपको डेली मिल जाएगी। तो बताएंगे कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो याद रखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इन प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र या अमेजन बेसिन के क्षेत्र में? बताएंगे कि किन प्रदेशों में से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। जो ये चारों ऑप्शन दिया है तो कहता है इन प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, अर्थात इनमें से जो 3 बचेंगे उनमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, मगर 1 जो है उनमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, तो वह कौन सा प्रदेश है? सभी लोग बताएंगे कि वह कौन सा प्रदेश है। तो सभी लोग याद रखेंगे अमेजन बेसिन की क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। याद रखेंगे अमेजन बेसिन की क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? निम्न में से
कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कोल खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेश समूहों द्वारा किया गया? कोल खोज या अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? अपना उत्तर सभी लोग बताएंगे कि कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? आप लोग हमारे बताने से पहले अगर आप लोग उत्तर जानते हैं तो उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जितना प्रयास करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोगों को एग्जाम में स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है? इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस आप लोग करें। तो याद रखेंगे कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, तो वह है रोपण कृषि। रोपण कृषि के विकास है जो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्प उत्पादन? बताएंगे कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो नाम में ही छिपा हुआ, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पुष्प, पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाएगा? सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक और इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है। बहुत बढ़िया, पुष्पोत्पादन, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को समाप्त कर देंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? अगले दिन जब चलेंगे ज्योग्राफी का क्लास उसमें अगले चैप्टर से चलेंगे। तो बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, तो वह देश है डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव डिस्कशन लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बगल में बेल आइकन रहती है अर्थात घंटी रहती है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस चैप्टर का 24 नंबर, निम्न में से कौन देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान या मैक्सिको तथा सिंगापुर? सभी लोग बताएंगे कि कौन से देशों में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो याद रखेंगे कौन सा देश है, तो मैक्सिको तथा फिलीपींस। याद रखेंगे मैक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी, तो वह दो देश कौन हो जाएगा? मैक्सिको तथा फिलीपींस, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी,
मेष्टा या जूट। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, तो वह फसल है कॉफ़ी। कॉफ़ी है जो रेशेदार फसल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप लोग इस क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज आप लोगों का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ज़रूर लिखिए। आप लोग जो लिखते हैं, फीडबैक देते हैं, उससे ही हमें समझ में आती है कि हमारा क्लास कैसा आप लोगों को लग रहा है, इसलिए फीडबैक ज़रूर दें। और कितने प्रश्न का उत्तर हुआ ये भी बताएंगे कि कितना प्रश्न का उत्तर आज सही किए आप लोग। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, सेकंड लास्ट है, एक क्वेश्चन और इससे करवाएंगे। तो कहता है शुष्क कृषि, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। क्या रागी नहीं बोई जाती है, ज्वार, मूंगफली या गन्ना, कौन सी फसल नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में। चलिए तो याद रखेंगे, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो वह गन्ना। याद रखेंगे गन्ना नहीं बोई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।